हेलो एवरीवन प्रीवियस लेक्चर में बेटा जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर और मैं शायद फ्लो फ्लो में इसको इंसर्शन लिख गया था इट वाज एक्चुअली क्रिएशन ऑफ बीएसटी है ना लास्ट लेक्चर में जो हम देख रहे थे इट इज़ क्रिएशन ऑफ बीएसटी उसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ठीक है बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस ठीक है चलो ओके okay, आते हैं आगे अच्छा ये मैं कोड लिख कर के आया हूँ मेरे को एक्चुअली कई स्टूडेंट्स ने बोला कि सर टाइम बहुत कम है और हम गूगल पे सर्च करेंगे कोड एंड एंडस उसमें काफ़ी टाइम लगेगा तो अगर आप कोड दिखा दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा तो ठीक है बेटा मैंने आप लोगों की बात मान ली है और मैं ये कोड आपके लिए लिख के आया हूँ दैट इज़ फॉर इंसर्शन इन बी ठीक है दिस इज़ इंसर्शन इन बी एस फटाफट से इस कोड को मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है एक ट्री ले लेते हैं और उस पर हम इसको फटाफट से चला के दिखा देते हैं ठीक है तो लेट मी टेक द ट्री ऑन द स्लाइड है ना जो हमने पहले यूज किया था थोड़ा बड़ा सा ट्री ले, ले लेते हैं ये ले ले चलो यही ले, ले लेते हैं थे? अच्छा पर ये बी एस टी नहीं है ना भाई ये भी तो प्रॉब्लम है तो बड़े वाला ही ले, ले, ले लेते हैं जो हम यूज करते आ रहे थे अब तक है ना कहा गया भाई ये रहा मी टेक दिस ट्री और इस कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से वैसे तो आप अपने आप से भी कर लेंगे बट स्टिल कोई बात नहीं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ okay, so पे और यहाँ पे हम कोई वैल्यू इंसर्ट करके दिखा देते हैं ये याद है ना आपको इंसर्शन हमेशा लीफ नोट मतलब जो भी नई नोट आप बनाओगे वो लीफ नोट बन के बैठेगी हमारे ट्री में बीच में कहीं इंसर्शन नहीं होती बेटा हमेशा लास्ट में जाकर के होती है है ना ये मैंने आपको पहले पहले भी बहुत बार बताया है ओके सो लेट मी टेक सम नंबर से आई want टू insert 135. ऐसे randomly मैंने कुछ भी ले लिया ठीक है में डालने देखते हैं जरा कैसे जाएगा देखो भाई सबसे पहले आपने ये स्ट्रक नोड स्टार न्यू नोड ये न्यू नोड ये नई नोड बनाने का हमने कोड लिखा हुआ है लेट मी यूज अनदर कलर ताकि आपको अच्छे से दिख जाए है ना ये तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं नई नोड कैसे क्रिएट करेंगे नोड MLog, नोड दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ है ना और फिर ये जो भी आइटम हमने बोला होगा इंटीजर में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी की, की बन जाएगी वो है ना और उसके बाद फिर लेफ्ट और राइट दोनों नल हो जाएंगे है ना और रिटर्न करवा देंगे हम टेम्प है ना जो भी हमने नया ये जो भी टैंप पॉइंटर होगा उसको हम रिटर्न करा देंगे मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली ये जो भी नोड क्या थी 135 तो 135 की नोड हमारी बन चुकी है है ना और उसका लेफ्ट पॉइंटर भी नल है राइट पॉइंटर भी नल है और इसका एड्रेस है सपोज कर लो 300 तो ये टेम्प टेम्प पॉइंटर के अंदर 300 ही था और आपने तीन सौ रिटर्न करवा दिया बस इतना काम है ना दैट इज द न्यू नोड अच्छा जी और देखो अब हम ये इंसर्शन के लिए कोड लिख रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि इफ नोड इज इक्वल टू नल रिटर्न न्यू नोड की तो जो भी हमारी की वैल्यू है ये जो भी हमारे को नई नोड इंसर्ट करनी है उसकी वैल्यू क्या है एक सौ पैंतीस है तो की की वैल्यू क्या होगी एक सौ पैतीस है ना और स्ट्रक्ट नोड स्टार नोड तो ये यहाँ से हमने रूट रूट का एड्रेस पास किया होगा मेन फंक्शन से है ना तो मेन से हमने रूट और एक सौ पैंतीस ये डाला है ठीक है आई होप आप समझ पा रहे हो तो वो सब मैंने नहीं दिखाया है। वो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आप बस ऐसे इमेजिन कर लो ये हमारा वर्ड मेन होगा और यहाँ से हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया होगा और उसके अंदर हमने रूट का एड्रेस दे दिया होगा ट्री का और साथ में की वैल्यू से एक ये हमने पास कर दी होगी तो रूट इसमें आ जाएगी और एक इसमें आ जाएगा ठीक है जी चलो जी स्टार्ट करते हैं अच्छा जी और अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ नोड इज इक्वल टू तो नल होगा तो फिर रिटर्न करा देंगे हम लोग न्यू नोड है ना अच्छा और ये क्योंकि रिटर्न करवा रहा है तो आप कोई भी एक पॉइंटर ले सकते हैं पी इज इक्वल टू तो इंसर्ट ऐसे करके आप लिख सकते हैं ठीक है तो पी के अंदर हमारा रूट जो भी हमारा नया ट्री बना होगा आफ्टर इंसर्शन उसकी रूट नोड का एड्रेस आ जाएगा इसके अंदर पी के अंदर खैर वो सब अभी मैं आगे बात करता हूं आराम से अभी बस सिर्फ चलने दो और ज्यादा इतना मैं घुसूंगा ना सारी चीजों में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा है ना मेरे को सिंपल बेसिक कैलकुअर्थ आपको एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं करना ठीक है जी चलो तो अब आगे भाई इफ नोड इज इक्वल टू नल तो रूट पे हम खड़े होंगे बोलेंगे क्या वो नल है बोलो भी, क्या ये नल है नहीं ठीक है जी तो फिर ये रिटर्न वगैरह कुछ नहीं होना हम क्या कहेंगे इफ की 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 लेस देन नोड 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 तो है uh, ना ये वैल्यू क्या है 135 है तो 135 से देखना है छोटा है ये बड़ा वो ही है वही चीज है प्लीज है ना ये तो ये यही बार बार घुमा रहा है बस नोड की लेस देन नोड की या फिर की ग्रेटर देन नोड की है ना तो लेस देन या ग्रेटर देन वही हम लेफ्ट या राइट right जाने की कोशिश करेंगे तो

मतलब रूट का जो राइट है ना प्लीज ध्यान रखो नोड ये जो है फिलहाल रूट पे खड़े हैं हम लोग इसलिए है ना तो रूट का जो राइट होगा वो ये फंक्शन कॉल करके उसमें एड्रेस आएगा तो ठीक है जी मैं बस यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ये आ, आ, आर सी लिख देता हूँ राइट राइट मैं करके यहाँ छोड़ देता हूँ क्योंकि जो भी वैल्यू आनी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है रिटर्न करवाएगा ना मतलब ये रिकर्शन कॉल होगी ठीक है जी तो इंसर्ट नोड राइट और की तो ये की वही एक सौ पैंतीस ऊपर चली जाएगी वही और नोड राइट तो अब हम नोड इज इक्वल टू नोड राइट कर रहे हैं मतलब राइट साइड पे आ आगे ठीक है फिर यहाँ पे आने के बाद देखने अब प्लीज अब आप समझ पा रहे हो लेफ्ट राइट लेफ्ट करना राइट राइट करने हमने तो 135 देखा 200 से छोटा है तो मतलब ये लेफ्ट एल सी इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा ठीक है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू जो भी आना होगा वो आ जाएगा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और ढंग से दिख जाए हमारे को ठीक है तो लेट में में तो लो जी एल सी लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू मैं कर दूंगा क्योंकि 200 के लेफ्ट में आ रहे हैं ना पीछे देख क्या हो ना यही तो होगा ना कि लेस देन नोड की तो नोड की वैल्यू क्या है अभी दो सौ है, है ना और एक सौ पैंतीस हमारे को था तो ये है तो इसका अंदर क्या होगा नोड लेफ्ट नोड का जो लेफ्ट होगा मतलब जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उसका लेफ्ट दैट विल भी इक्वल टू दिस तो लेफ्ट चाइल्ड वाली बात हो जाएगी इंसर तो so ये हमने फंक्शन कॉल किया उस पर तो so मतलब बस एल सी इज इक्वल टू करके मैं छोड़ दूंगा अच्छा जी अब एक सौ पैतीस डेढ़ सौ से फिर लेफ्ट इधर आकर खड़े हो गए डेढ़ सौ से छोटा एक सौ पैंतीस तो ठीक है जी तो फिर वही बात आएगी लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू अब इधर आकर खड़े हो जाएंगे एक सौ पच्चीस से बड़ा है तो फिर अब यहाँ ध्यान रखना बेटा अब यहाँ पे हमारे पास नल आया बैठा है प्लीज ध्यान रखना अब यहाँ पे तुम खड़े हो 125 सौ पच्चीस नोट पे खड़े हो और तुमने ये ये कंपैरिजन किया ये सारा कुछ किया है ना और फिर अब आपने क्या कह होगा 125 से बड़ा है ना तो नोड राइट दैट डेट इक्वल टू इंसर्ट दिस तो नोड राइट आपने कॉल किया और और जब जैसे ही नोड राइट डालोगे नोड में वो क्या बन के आएगा नल क्यों क्योंकि अब 125 से आगे कुछ है ही नहीं आई होप आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे जब हम 125 पे खड़े थे आपने इस इस फंक्शन को कॉल किया तो आपने बोल दिया कि 125 नल है नहीं है ना 125 सौ पच्चीस नोट का कोई ना को दो एड्रेस तो है वो एड्रेस नल तो नहीं है इधर आ गए तो की इज लेस देन नोट की 125 है नोट की की वैल्यू 125 और तुम्हारा 135 है तो ये तो नहीं चलेगा तो इधर आ जाएंगे फिर हम यहाँ क्या होकर कॉल करेंगे नॉट राइट दैट इज इक्वल टू इंसर्ट दिस तो हमने राइट right साइड में बोलना है बस है ना तो फिलहाल बात करना आरसी यहां पे आरसी इज इक्वल टू क्या होगा उसके लिए फिर हमने ये फंक्शन कॉल किया नॉट राइट और की तो नोड के अंदर क्या नोड राइट आया नोड राइट में देखा तो वो तो नल था बिल्कुल था है ना ये देख लो बेटा आराम से ये नल था ना है ना यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं राइट साइड नल है ठीक है जी तो फिर आपने बोला नोट नल है हाँ तो रिटर्न किया गया न्यू नोट की तो आपने फंक्शन कॉल किया न्यू नोट की तो एक, एक सौ पैंतीस के साथ आपने न्यू नोट की फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे ये की की जो व्यली होगी वो आइटम में आएगी और ये नोट बन जाएगी एक सौ पैंतीस वाली इसका अड्रेस जो भी था तीन सौ आया होगा और वो रिटर्न करवाया प्लीज ध्यान रखना रिटर्न कहाँ पे लेके जाएगा कंट्रोल जहाँ पे उसको कॉल किया गया था तो कॉल बेटा यहाँ पे किया गया था ये देख लो आराम से यहाँ पे हमने आर सी पे कॉल इजी गोल टू करके छोड़ रखा था ना यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा तो ठीक तो है जी जी तो तो ये, ये 135 का क्या था 300 तो लो जी, ये 300 आ गया तो मतलब यहाँ पे एक राइट साइड बन के बैठ गया 135 सौ मतलब पैंतीस में आ रही है 135 राइट साइड बन के बैठ चुका है अच्छा अब ये ध्यान रखना बेटा अब यहाँ से ये ये, ये हो चुका है ना तो अब देखो अल्टीमेटली आपने फिर रिटर्न नोट करना है आ रही है। यहां से जब आपने फंक्शन कॉल कर रखा था यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, तो है। अनचे पॉइंटर तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली क्या रिटर्न होगा बेटा प्लीज रखना एक सौ पच्चीस का जो भी एड्रेस होगा ऊपर रिटर्न होगा वो तो पता ही था डेढ़ सौ का लेफ्ट साइड था एक सौ पच्चीस तो यहाँ पे वही एड्रेस आ जाएगा वापस है ना सपोज कर लो इस नोट का एड्रेस मान लो चार सौ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में चार सौ भरा तो मतलब यही ऐसी रह गया ठीक है फिर फिर और ऊपर गए ले, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू कर रखा था तो अब ये यही नोट का एड्रेस रिटर्न होगा प्लीज थोड़ा सा इमेजिन करो और चला के देखो आपको पता लगेगा डेट इजी प्रोग्राम है मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो आपको रिकर्शन चलानी वैसे ही आती है तो बस ये रिकर्शन ही और कुछ नहीं है ठीक है तो अब यहाँ से वही डेढ़ का जो भी एड्रेस होगा जैसे सपोज कर लो इस नोट का एड्रेस पांच था तो लेफ्ट साइड में पांच आ जाएगा वो हमारे को पता था दो का लेफ्ट साइड था ही पांच ठीक है ना यह मतलब वैल्यू डेढ़ सौ थी पांच सौ था अच्छा जी फिर और ऊपर जाएंगे राइट साइड की वैल्यू लेकर के आएंगे सपोज कर इसका छे सौ है तो यहाँ पे छह आ जाएगा और

पर सोच पा रहे हो तो हंड्रेड का राइट साइड छः सौ हो जाएगा लेफ्ट साइड इसका जू बी एड्रेस मान लो सात सौ मान लो तो ये सात सौ होगा मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आ गया होगा कुछ नहीं है बेटा एक बार बार बोल रहा हूँ चलाओगे तो पता लग जाएगा इस बस एक बार आप इस कोड को रन करके देखो आपको पता लग जाएगा और रन करने का तरीका मैंने एक लाख एक बार आपको समझा रखा है आप चलाओगे तो अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी ठीक है जी तो इंसर्शन का मेरे को दिखाना नहीं था कोड बट फिर भी मैंने दिखा दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था अभी सर थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा आखिरी आखिरी टाइम है गेट का पेपर नजदीक है तो इसलिए मैंने दिखा दिया ठीक है, आप समझ पा रहे तो ये ये सबसे था रिटर्न तभी हम जो भी थे वापस अपनी लाते चले जाएंगे है ना। तो मतलब मजे की बात क्या है भाई 125 का बस राइट चाइल्ड 135 बन गया था जो नई नोट थी वो बाकी फिर वही वापस, वापस वापस ये ये इसी का एड्रेस इधर चला गया इसी का एड्रेस इधर चला, चला गया इसका एड्रेस इधर चला गया जो पहले था सारा कुछ एस ऊपर फॉरवर्ड होता चला गया आई होप आप पकड़ पा रहे होंगे। ठीक है फिर रूट का हम रिटर्न करा देंगे तो जो भी हमारा मेन में पी पॉइंटर होगा वो अपना जो भी हमारा होगा, उसको रूट को करते लग ठीक है जी चलो और ज्यादा मैं नहीं बोल रहा कोई और, और वैल्यू इंसर्ट करके देखनी है आपके लिए होमवर्क मैं दे देता गिव यू होमवर्क आप एक नई नोट इंसर्ट करके देखना 950 950 इंसर्ट करके देखना कैसे इंसर्ट होगी एंड सो ठीक है ऐसे ही कोई और ले लो से 180 होमवर्क में देते हैं वन एट्टी वन एट्टी भी इंसर्ट करके देखना ठीक है तो ए, एक करके दिखा दूं चलो 180 वाली फटाफट फड़ से करके दिखा देता हूं तुम्हारे को ठीक है थोड़ा सा पता लग जाएगा कि कैसे काम हो रहा है तो अब बस ऐसे करना है 100 का ये चलो मैं इसी स्लाइड की कॉपी बनाता हूं और वहां आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूं है ना एक्चुअली मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन होती नहीं है मैं मैं भाग भी सकता था करके बट फिर वही बात है कि, कि किसी न किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ना रह जाए फ्लो फ्लो बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए है ना थोड़ा अच्छा सा फ्लो बन जाएगा कैसे काम चल रहा है वो आपको पता लग जाएगा ठीक है जी तो वन एट्टी को मैं इंसर्ट करके दिखाता हूं तुम्हारे को। ओके? तो वन एट्टी को हम लोग इंसर्ट करके देख लेते हैं कि कैसे इंसर्ट हो रहा है वो ठीक है जी चलो तो सबसे पहले 180 को मैच किया 100 के साथ 100 नल तो नहीं है पहले से बात किया करो 100 नल तो नहीं है ठीक है जी तो 180 बड़ा है आ, 100 से तो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू करके हम भाग जाएंगे इधर आ जाएंगे ये लेफ्ट राइट -right लिखा था मैं राइट right चाइल्ड लिख रहा हूँ जस्ट टू मतलब थोड़ा सा आपके लिए जाना पहचाना लगे कोड इसलिए अच्छा 200 से तो छोटा है एक तो इसका लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू मेरे को लिखना पड़ेगा 150 से तो बड़ा है तो राइट right चाइल्ड की वैल्यू लिखना पड़ेगा एक से तो बड़ा है तो राइट right चाइल्ड की वैल्यू लिखना अच्छा एक पहले से है और वो हमने बोल रखा था कि हम रिपीटेशन नहीं करते है ना हमारी एग्जाम्शन रहती है तो वन वन कर लेते हैं चलो वन एट्टी वन ठीक है अच्छा जी राइट चाइल्ड हो गया आप वन एट्टी से तो बड़ा है तो इसलिए अब अब क्या बोलोगे कि राइट चाइल्ड इज इक्वल टू वन से बड़ा है तो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू अब इधर आगे वन नाइनटी से तो छोटा है तो फिर लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू और अब आपने देखा कि इसके आगे इधर नल है तो नल है तो फिर 181 की जो एक नई नोट बनेगी उसका एड्रेस आपने रिटर्न किया होगा तो लेफ्ट साइड में वो एड्रेस आ जाएगा ये आप चेक कर सकते हो बेटा ये पीछे देखो कोड में हमने ये किया था जैसे ही नल मिलेगा ये देखो जैसे ही नोट की वाली नल मिलेगी तो रिटर्न न्यू नोट की तो ये रिटर्न होके वहीं जाएगी जहां पे आपने कॉल किया था तो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नोट लेफ्ट इज इक्वल टू ये ये आपने फंक्शन कॉल किया होगा कहाँ पे खड़े हो गए एक पे जब तुम एक पे खड़े हो ये देख लो बेटा 190 पे जब हम खड़े होंगे अच्छा ये अगला स्लाइड पे था हाँ वन नाइनटी पे जब आप खड़े हो गए तो आपने बोला कि वन एट्टी वन एट्टी वन क्या है भाई छोटा है छोटा है तो फिर लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू है ना तो नोड लेफ्ट इज इक्वल टू ये आपने कॉल किया होगा ठीक है आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये हमने कॉल किया अच्छा जी और फिर जैसे कॉल किया नोड लेफ्ट तो वही नोड में गया और नोड लेफ्ट हमारे पास क्या नल है तो जैसे नल देखा तो न्यू नोड की रिटर्न न्यू नोड की तो जो रिटर्न कहाँ पे होगा जहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया था तो फंक्शन कॉल में एलसी सी इज इक्वल टू था तो ये जो भी एड्रेस आया होगा ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी ठीक है जी तो इसका मतलब वन नाइनटी का लेफ्ट सेल बन गया वन ये हमारे को चाहिए था ठीक है जी तो जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ गया होगा फिर वही बात है अब मजे की बात क्या है कि ये देखो बेटा हम रिटर्न नोट बार बार रिटर्न नोट कर रहे हैं ना तो जब हो जाएगा तो फिर रिटर्न नोट करेंगे मतलब ये फंक्शन कॉल हो गया ना ये ये बस बात करो इतनी वन नाइनटी पे जब आपने फंक्शन कॉल किया था तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू ये आ चुका है और उसके बाद फिर नीचे आकर के रिटर्न नोट तो कराओगे ना बेटा है ना यहाँ पे रिटर्न वगैरह तो कुछ नहीं लिखा था आपने तो बस ये किया था नो नोड लेफ्ट इज इक्वल टू दिस ये फंक्शन हो गया फिर एल में तो हमने जाना नहीं है फिर नीचे आ जाएंगे और क्या बोलेंगे रिटर्न नोड तो ये रिटर्न नोड कहाँ करेगा जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया होगा तो फंक्शन को कॉल कहाँ किया गया होगा बेटा यहाँ पे वन एटी पे कॉल किया हुआ था तो ठीक है जी तो 180 का राइट right साइड जाएगा एज इट इज बस ऊपर ऊपर चलते जाएंगे हम लोग है ना तो मैं ऐसे एरो दिखा देता हूँ ये इधर चला जाएगा फिर वन एड्रेस ये राइट साइड में चला जाएगा एक के वही हमारे को चाहिए था एक का राइट right साइड था डेढ़ वही राइट right साइड में चला जाएगा है ना और यहाँ पे लेफ्ट साइड चाइल डुका रखा तो डेढ़ सौ लेफ्ट साइड था तो डेढ़ तो का एड्रेस जो भी होगा नोट का एड्रेस होगा वो लेफ्ट साइड बन जाएगा दो का वो पहले से ही था कोई चेंजेस नहीं हुआ और यहाँ से राइट साइड

इज लीफ नोड नोड ठीक है है या फिर एक एक चाइल्ड वाली वन uh, के uh, जिस भी नोड को आप डिलीट करना चाहते हो उसका एक चाइल्ड है या फिर अगला केस क्या होगा जिस भी नोड को आप डिलीट करना चाहते हो उसके दो चाइल्ड है तो कैसे करेंगे वो अब हमारे को दिखाना है तो लीफ नोड को डिलीट करना दैट इज वेरी वेरी इजी एक झटके में डिलीट करके भाग जाओ कोई टेंशन ही नहीं होती ठीक है तो लेट लेट मी शो यू है ना मैं इसी की ही एक कॉपी बना लेता हूँ स्लाइड की ओके okay. स्लाइड और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं हाँ जी तो जैसे अब मैं आपको कहूँ कि किसी नोड को डिलीट करना है तो हम एक झटके में डिलीट कर सकते हैं उसको जैसे लीफ नोड को करना है डायरेक्ट डिलीट होगी बेटे डायरेक्ट कोड मैं भी दिखा दूंगा कोड की टेंशन आप मत लेना वो मेरी जिम्मेवारी है कोड भी दिखाऊंगा पहले मेरे मन में था कि नहीं दिखाऊंगा लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर कोड दिखा दो थोड़ा जल्दी और फ्लुएंसी के साथ हम काम कर लेंगे तो मैंने कहा ठीक है जी ना दो मिनट लगते हैं क्या हो गया तो मैं दिखाता जाता हूँ ठीक है चलो कोड भी दिखाऊंगा अभी बस बेसिक आइडिया समझ लो करना क्या है तो सबसे पहले तो आपको बेटा जिस भी नोट को डिलीट करना है आपको उसको सर्च करना पड़ेगा बाइनरी सर्च ट्री में ऑफ कोर्स बिना सर्च किए आप कैसे डिलीट मारोगे तो फर्स्ट यू हैव टू सर्च द नोट जैसे सपोज करो और मैंने जीरो है लीफ लिफ्टोट को सर्च करना पड़ेगा जैसे मैं वन नाइनटी को डिलीट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सर्च दैट 190 सर्चिंग हमारे को आती है जी 100 से बड़ा है इधर आ जाएंगे 200 से छोटा है इधर आ जाएंगे 150 से बड़ा है इधर आ जाएंगे 175 से बड़ा है इधर आ जाएंगे 180 से बड़ा है इधर आ जाएंगे 190 ठीक है जी तो नोट मिल गई डायरेक्ट उसको डिलीट करो कोई टेंशन ही नहीं है ठीक है तो मतलब क्या होगा एक का जो राइट चाइल्ड होगा उसको हम नल करके भाग जाएंगे ठीक है क्योंकि एक का राइट है हमारे पास एक तो एक का राइट साइड हम नल कर देंगे और जो भी ये इस इस नोड के लिए एक पॉइंटर ले लेंगे ले ले और उस पॉइंटर को हम फ्री करा देंगे कैसे कराएंगे उसकी टेंशन मतलब मैं कोड दिखा दूंगा अभी आपको मतलब लीफ नोड को डिलीट करना डायरेक्ट है कुछ भी नहीं है बस सीधा काटा मारो खत्म तो मतलब जो भी उसके ऊपर वाली नोड होगी उसमें हम लोग नल कर देंगे राइट राइट साइड उसका नल हो जाएगा और ये जो भी नोड होगी उसको उसके लिए एक पॉइंटर ले आएंगे और उसको फ्री करा देंगे हम लोग है ना और फ्री फ्री फंक्शन के थ्रू मेमोरी डी करा देंगे पकड़ गए ठीक है तो लीफ नोट की डिलीशन इज वेरी वेरी इजी कुछ भी नहीं है इसमें सर्च करते करते आओ और आने के बाद उसको डिलीट मार दो अच्छा जी फिर एक एक कंसेप्ट और आता है बेटा क्या है वन चाइल्ड वाली नोट अगर एक चाइल्ड होगा तो कैसे करेंगे ठीक है जैसे सपोज करो अब यहाँ पे एक चाइल्ड वाली नोट चलो ये है थर्टी है ठीक है तो इसका एक एक ही चाइल्ड है दो दो चाइल्ड तो नहीं है ना इसको कैसे डिलीट करेंगे वेरी वेरी इजी बेटा आप एक झटके में समझ पा रहे होंगे सबसे पहले आप सर्च करेंगे थर्टी तो मैं कहता हूँ डिलीट थर्टी ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया अच्छा सॉरी मुझे लग रहा है शायद मैं स्लाइड गड़बड़ कर गया हाँ वन वाला काम तो हो चुका था ये मुझे लग रहा है शायद मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया एक सेकंड रुक जाओ बस हाँ जी सो बेसिकली हाँ वन वाला खेल हम कर चुके हैं है ना अच्छा वो क्रॉस कहाँ गया भाई वो हिल गया क्या एक देख लेते हैं अगर आता है वापस तो

थर्टी को डिलीट करना है जिसका एक ही चाइल्ड है या पाँच सौ को भी आप कर सकते थे है ना सौ का भी एक ही चाइल्ड है तो जो आपकी इच्छा है चलो मैं थर्टी को डिलीट करता हूँ तो कुछ नहीं करना बेटे आप क्या करोगे हंड्रेड से शुरू करोगे सबसे पहले तो सर्च करोगे थर्टी को बिना सर्च किए तो हो नहीं सकती ना तो वही बात उठेगी हंड्रेड हंड्रेड का हंड्रेड से लेफ्ट आएंगे या फिफ्टी फिफ्टी का लेफ्ट देखा तो थर्टी मिल चुका है तो अब आपको क्या करना है बेटा जो लेफ्ट चाइल्ड था ना फिफ्टी का वो अब ऐसे शिफ्ट कर देना पॉइंटर को बस एक शिफ्ट मारना है ठीक है तो जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो टेन बन जाएगा और जो थर्टी वाला होगा इस इस नोड को हम फ्री कर देंगे बस ठीक है ये काम करना है तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो जस्ट लाइक सिंगल लिंक लिस्ट ठीक है तो थर्टी वाली नोट को डिलीट करना है तो उससे एक नोट पहले खड़े हो जाएंगे और फिर इसका जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड होगा वो थर्टी ना होकर के रिटर्न बना देना है बस कुछ भी नहीं करना वेरी वेरी इजी तो एक चाइल्ड वाली नोट को डिलीट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है बहुत आराम से हो जाएगी ऐसी फाइव हंड्रेड को अगर डिलीट करना चाहते थे वही चीज है बेटा इसको एक लिंक लिस्ट की तरह मानो ठीक है ये यह, यहाँ तक यहाँ तक एक सिंगल लिंक लिस्ट की डिलीट करो तो हंड्रेड से इधर आएंगे फिर वही फाइव हंड्रेड को डिलीट करना था ना तो फाइव हंड्रेड हंड्रेड से बढ़ा है तो इधर आगे दो सौ से भी बढ़ा है तो इधर आ गए तो अब यहाँ पता लग गया पाँच सौ है ठीक है जी तो दो सौ का राइट चाइल्ड पाँच सौ नहीं होगा अब दो सौ का राइट right चाइल्ड सीधा सात सौ हो जाएगा काम खत्म बस इतना ईजी है ठीक है तो वेरी वेरी ईजी कुछ नहीं है तो अगर हमारे एक चाइल्ड होगा तो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं डिलीट ठीक है तो लीफ नोड है तो भी हम डायरेक्टली उसको डिलीट कर सकते हैं और वन चाइल्ड वाला है वो भी हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं बस पॉइंटर्स को हैड़बड़ाती है वो मैं आपको समझाता हूँ बेटा कैसे उसको करना है ठीक है दो चाइल्ड वाली नोट को कैसे करना है अब जैसे सपोज कर लो मैं एक सौ पिछत्तर को डिलीट करना चाहता हूँ वन सेवेंटी फाइव को तो हम क्या क्योंकि इसके दो चाइल्ड है ना इसलिए तो कैसे करेंगे इसके लिए देखो बेटा दो तरीके होते हैं एक तो होता है ये पहली बात तो मुझे ये समझाओ जैसे सपोज करो हमने एक ट्री या ये यही ट्री ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पे ना एक सौ पचहत्तर की वजह सीधा आप मैं, मैं बोलता हूं आपको सीधा हंड्रेड को डिलीट करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा रूट पे जो नोड है उसी को डायरेक्ट डिलीट करना है तो बेटा मेरे पास दो तरीके हैं इसके लिए ठीक है ऐसे तो आप सीधा इसको अगर ऐसे सीधा डिलीट मार दोगे तो फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे कुछ स्टोर ही नहीं कर रखा कुछ ना कुछ स्टोर करना पड़ेगा सबसे बेस्ट वे आउट बेटा क्या होगा सबसे बेस्ट वे आउट होगा दो तरीके हमारे पास है ना एक तो लेफ्ट की तरफ से लाएं या कुछ राइट की तरफ से लाएं भाई ट्री में से अगर आपने रूट ही उड़ा दी तो फिर कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना तो क्या रखें दो तरीके हैं या तो लेफ्ट सप्ट्री से लाएं या राइट सप्ट्री से लाएं तो मतलब ये रूट थी ठीक है तो इसका ये हो जाएगा लेफ्ट सप्ट्री और ये हो जाएगा राइट सप्ट्री तो लेफ्ट सप्ट्री में से कोई नोड की वैल्यू उठा करके लाएं या राइट सप्ट्री में से लाएं। तो लेफ्ट सब्टी में से लानी पड़ेगी तो अफकोर्स से सबसे बड़ी वैल्यू लाना ठीक है लेफ्ट सब ट्री में से सबसे बड़ी वैल्यू लाना और जो भी सबसे बड़ी वैल्यू लाओगे अगर आपने उठा करके रूट पे लगा दिया उसको तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी क्यों क्योंकि लेफ्ट वाली साइड में वो भी बात है लेफ्ट में से सबसे बड़ी ले आए हो तो अफकोर्स यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे बताओ लेफ्ट सप्ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सी पहले मुझे बताओ ये हमारा लेफ्ट सप्ट्री हो गया ना तो याद करो सबसे बड़ा वैल्यू कैसे लाते थे राइट 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 जाके तो ये रूट होगी राइट हमारी लेफ्ट सब ट्री की पचास और राइट 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 चलते चले जाएंगे तो अब राइट गए तो अस्सी आया बस इसके आगे तो राइट में और कुछ है ही नहीं तो एट्टी इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री तो एट्टी मैं यहाँ पे सेफली उठा के रख सकता हूँ फायदा क्या होगा बेटा फायदा सबसे बड़ा ये होगा अब हमारी टेंशन ही खत्म है हमारा बाइनरी सर्च ट्री ऑलरेडी रह जाएगा मतलब जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी वो डिस्टर्ब नहीं होगी क्यों क्योंकि अब हमारे को पता होगा लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यू छोटी निकलेंगे क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आप उठा करके यहाँ ले आयो ठीक है लेफ्ट सप्ट्री में से और राइट right में ऑफकोर्स उसके आगे तो बड़ी है ही है एट्टी से तो ऑफकोर्स यहाँ पे सारी बड़ी होंगी होंगी आई होप अब सोन पारे हो गए है ना तो मतलब 80 वाली नोट को यहाँ से डिलीट करो अब 80 का देखो आराम से हम कर पाएंगे क्यों, क्योंकि उसका एक ही चाइल्ड है एक ही चाइल्ड है तो बड़े आराम से उसको हम डिलीट कर सकते हैं ऊपर 70 पेस्ट कर देंगे और सारा ट्री हमारा एसले रह जाएगा ठीक है तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सेवेंटी और फिर वो लेफ्ट चाइल्ड राइट साइड एंड और मतलब मोटी मोटी बात ये करता हूं मैं सीधा यहाँ से अस्सी को उड़ा ही देता हूँ है ना थोड़ा जल्दी काम करते हैं तो हम क्या करेंगे एट्टी को यहाँ से उड़ा देंगे एट्टी को उड़ाते ही और इस इसको ऐसे कर दो ठीक है पचास का ये राइट राइट साइड हो जाएगा सेवनटी ठीक है आई होप आप समझ पा रहे हो तो बन गया फर्स्ट क्लास काम हो गया हमारा ठीक है दिस इज द वन ऑफ द वे तो मतलब लेफ्ट दप्ट्री में से सबसे बड़ी वैल्यू उठा करके ऊपर पेस्ट कर दो और लेफ्ट सब्टी में से सबसे बड़ी वैल्यू वैल कैसे लाओगे अगर मैं एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो रूट नोड पे आप खड़े हो जिस भी नोड पे आप खड़े हो उसमें एक बार लेफ्ट शिफ्ट मारो मतलब एक बार लेफ्ट साइड पे आ जाओ और लेफ्ट साइड पे आने के बाद फिर आपको पीछे मुड़के नहीं देखना आप सिर्फ राइट 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 चलते चले जाओगे तो जो भी सब वो तो आपको पता है ट्री में से, ट्री में सबसे छोटी वैल्यू कैसे लाते थे? Right, 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 right करते जाते थे है अब आप कॉमन सेंस में मुझे बताओ ये तो हो गया अगर आप लेफ्ट सब्टी से लाना चाहते हो राइट सप्ट्री से वैल्यू लाना चाहते थे तो आप क्या करते देखो तो उसके लिए हम क्या करेंगे ठीक है मैं इसी की कॉपी बना करके आगे लेके चलता हूं और वहां आपको समझा देता हूं ठीक है तो इसके बाद यहां पे करते हैं इसको पेस्ट ओके जी और हंड्रेड को हमारे को डिलीट करना है तो ये हंड्रेड को उड़ाया अब ये है बेटा ध्यान से देखो राइट सब ट्री हमारा पूरा ये है राइट सब ट्री 181 को दो मिनट के लिए छोड़ दो ये हमने वैल्यू वैसे इंसर्ट करके रखी थी तो पुराने सवाल के वैल्यूज थी बस एग्जांपल हम वही ले रहे हैं ट्री है ना तो ये राइट सब ट्री है तो अब राइट सब ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू कैसे पता लगाओगे भाई लगाकोर्स सॉरी सबसे छोटी हाँ यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी आएगी देखो ये रूट नोड थी तो रूट नोड के ये हो गया लेफ्ट सब ट्री और ये हो गया राइट सब ट्री तो लेफ्ट सब ट्री में से सबसे बड़ी वैल्यू हम रूट पे लेकर के आए थे ताकि लेफ्ट सप्ट्री में अब जो बचा हुआ लेफ्ट सप्टी होगा उसमें सारी वैल्यूज छोटी ही रह जाएंगी हमारी रूट नोट से है ना क्योंकि हम यहाँ पे अभी मैंने समझाया था एटी ले आए थे एटी को यहाँ से हमने उड़ा दिया था और हमारा सारा काम फैसला सला था ये देखो पीछे पीछे देखो बेटा है ना एटी को ऊपर ले आए थे तो अब लेफ्ट सप्ट्री में सारी वैल्यू छोटी निकली थी कोई दिक्कत नहीं हुई थी हाँ लेकिन अगर आप राइट सप्ट्री से कुछ लाना चाह रहे हो तो बिल्कुल कॉमन सेंस आप सोचो सबसे बड़ी लाओगे बेटा अगर सबसे बड़ा नौ सौ उठा करके यहाँ रख दोगे ना सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्यों क्योंकि नाइन से फिर जो जो बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे की अगर आप 900 हंड्रेड यहाँ लिया तो फिर यहाँ पे उससे छोटी वैल्यू कैसे गड़बड़ हो जाएगी ना तो राइट सब ट्री में से आप समझ पा पाओगे सबसे छोटी वैल्यू लानी है राइट सब ट्री में से सबसे छोटी वैल्यू तो लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे क्या करेंगे ये रूट नोट होगी हमारे लेफ्ट सब राइट सब ट्री की राइट सब ट्री की रूट नोट टू हंड्रेड तो अब इसके लेफ्ट लेफ्ट जाते चले जाना सबसे छोटी वैल्यू ले आना तो लेफ्ट गए फिर और लेफ्ट गए 125 इसके आगे और कुछ है ही नहीं तो ठीक है जी मैं यहाँ से 125 को उड़ाऊंगा और 125 को यहाँ आराम से स्टोर करा दूंगा और 125 तो लीफ नोड है लीफ नोड तो हमारी टेंशन ही खत्म है बेटा उसको हमारा उठा करके आराम से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये डिलीट कर देंगे नोट को और यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करा देंगे तो क्या, करना डिलीट करना है जिसके मतलब दो चाइल्ड है तो आप एक बारी right ये right में आ गया, right बार राइट आओगे अब राइट में आने के बाद फिर हमेशा लेफ्ट 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 चलता चले जाना ठीक है बिल्कुल एक्सट्रीम तो जब हमारा आखिरी में जब नल बचेगा कुछ नहीं होगा तो वो वाली नोट मतलब हम पकड़ लेंगे और उसको के ऊपर शिफ्ट कर देंगे या ये उसकी वैल्यू को उठा करके ऊपर शिफ्ट कर देंगे ठीक है तो शिफ्टिंग करने का मतलब बेसिकली क्या होगा इस नोड को डिलीट मारना है डिलीट मारने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे हम ऐसे करेंगे तो मतलब आ, अगर मैं पिक्टोरियली समझाऊं तो आपको क्या करना है बेटा जिस भी नोड के जैसे ये आ, दो दो, दो चाइल्ड है उसको डिलीट करना है तो दो तरीके हैं मेरे पास एक बार लेफ्ट आके राइट चलते चले जाओ ऐसे करके और अपना मतलब एक बार लेफ्ट आके राइट राइट चलते चलते सबसे बड़ी वैल्यू मिल चल जाएगी आपको लेफ्ट सप्टी में से और उसको उठा करके ऊपर ले जाना काम खत्म अच्छा, तरीका क्या है बेटा? जो भी है, जिसके दो है एक बार राइट आना है फिर लेफ्ट, लेफ्ट चलते चलते, काम करना ठीक है जी तो लेफ्ट जा करके एक्सट्रीम राइट में जा जा करके हम वैल्यू लेकर के आ रहे हैं तो ये कंफर्म है बेटा रूट नोट से छोटी वैल्यू होगी ना बात समझ लो रूट नोट से छोटी वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा प्रीडिस ठीक है एक बार लेफ्ट आके फिर राइट right राइट -right जा जा करके वैल्यू जो लेकर के आ रहे हैं ये जो होगा उसको हम क्या कहते हैं और ऑफ कोर्स ये एक बार राइट right आके फिर एक्सट्रीम लेफ्ट 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 चलते जा रहे हैं तो देखा जाएगा जा जा तो जो भी नोड पे आप खड़े हो जिसको आपको डिलीट करना है उसके ये राइट में ही ना वैल्यू क्योंकि एक बार राइट आए फिर लेफ्ट लेफ्ट चलते चले गए वो मैटर नहीं है मेन बात क्या है कि इस नोड के देखा जाएगा तो इस नोड के तो राइट में है तो मतलब बड़ी वैल्यू होगी तो उसको हम बोलते हैं बेटा सक्सेसर सक्सेसर ठीक है तो जिस नोड को आपको डिलीट करना है एक बार राइट आ करके एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट लेफ चलते चल 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 चल। मतलब सीधी बात करो राइट सब ट्री में से सक्सेसर होगी डिलीशन में हमारे को क्या करना है बेटा अगर दो नोड है तो आप क्या कर सकते हो अगर जिस भी नोड को आपको डिलीट करना है उसके दो चाइल्ड है ऐसे लिखता हूं दो चाइल्ड है अगर दो चाइल्ड है तो क्या करना होगा देर आर टू वे रिप्लेस इट विद सक्सेसर रिप्लेस इट विद with predecessor. ठीक okay? है predecessor. Successor सक्सेसर से कर लो या predecessor से कर लो सक्सेसर से करने का मतलब क्या होगा एक बार राइट आकर के हमेशा लेफ्ट 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 और predecessor का मतलब क्या होगा एक बार लेफ्ट आकर के हमेशा राइट 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 बढ़िया बात समझ में आ गई अब इस इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बेटा गेट में ये ध्यान रखना मतलब आपको क्या आपके दिमाग में एक ये बात भी उठेगी कि सक्सेसर कैसा हो सकता है और प्री कैसा हो सकता है वो मैंने आपको अभी दिखाई दिया देखो बेटा ये इसलिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था यहाँ पे हमने देखा कि प्री डिसेसर जब हम देखने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें क्या आया था बेटा ये 80 आया था तो 80 का चाइल्ड थे ना है ना मतलब एक लेफ्ट चाइल्ड था ना मतलब जरूरी नहीं कि वो लीफ हो बट जब हमने सक्सेसर देखा था तो वो लिफ निकलाया था तो मतलब सक्सेसर या प्रीडिसेसर हो सकते कि वो लीफ नोट हो या ज्यादा से ज्यादा एक चाइल्ड हो दो दो चाइल्ड का भी नहीं हो सकते सक्सेसर या प्रीडिसेसर के कंफर्म है बेटा क्यों क्योंकि सक्सेसर का मतलब क्या होगा ये एक बार राइट में आकर के हमेशा लेफ्ट एंड लेफ्ट चलते चले जा रहे हो अगर वन ट्वेंटी फाइव के आगे दो चाइल्ड होते कन्फर्म बेटा तो फिर ये एक्सट्रीम लेफ्ट थोड़ी होता तो फिर जो इसका चाइल्ड होता लेफ्ट वाला ये एक्सट्रीम लेफ्ट होता ना हमारे को तो बिल्कुल एंड तक आना है अहू पर समझ पा रहे हो तो सक्सेसर या पीडी सेसर के कभी भी दो दो, दो चाइल्ड नहीं हो सकते गेट का क्वेश्चन है मजाक नहीं है प्लीज ध्यान रखना सक्सेसर या पीडिससर के दो दो चाइल्ड कभी भी नहीं हो सकते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक चाइल्ड हो सकता है है ना अब ऑफकोर्स और ये भी बढ़िया बात याद रखना ये ये कौन है प्रीडीसर है तो प्रीडिसेसर का लेफ्ट चाइल्ड होगा राइट चाइल्ड कभी भी नहीं होगा क्योंकि अगर प्रीडीसेसर का राइट चाइल्ड है तो बेटा वो उससे बड़ा होगा तो वो वो डिसर बनेगा वो थोड़ी थोड़ी प्रीडि रह जाएगा अगर यहाँ पे पितासी वाला नोड होता है तो पितासी वाला बनता ना बेटा प्रीडीसेसर अस्सी क्यों बनता है जस्ट छोटा जस्ट छोटा ठीक है तो आई होप आप समझ पा रहे हो तो मोटी मोटी बात क्या समझ में बेटा अगर डिलीशन करनी है दो चाइल्ड है मैं, मैं उसी नोड पे लिखता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको हाँ तो आ, हमने तीन केसेस देखने थे डिलीशन के लिए लीफ नोड है तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी एक चाइल्ड है तो भी हम डायरेक्टली उसको बस पॉइंटर को हेर फेर करके डिलीट कर सकते हैं दो चाइल्ड है तो हमारे पास दो तरीके हैं रिप्लेस बाय प्री और सक्सेसर सर प्रीडिसेसर या फिर रिप्लेस बाय सक्सेसर और गेट का सवाल बड़े अच्छे अच्छे आए हैं प्री लीफ नोड हो सकती है ऐसे सक्सेसर भी लीफ नोड हो दो पॉसिबिलिटी है दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको प्रीडिसेसर लीफ नोड हो सकती है मतलब एक भी चाइल्ड ना हो या फिर हो सकता है कि एक ही चाइल्ड हो ठीक है और ऐसे सक्सेसर में भी एक ही चाइल्ड हो और मजे की बात क्या है जो प्री होगा प्री मतलब पीछे वाला पीछे वाला तो मतलब लेफ्ट आकर के एक्सट्रीम राइट और राइट चलते चले गए होंगे तो अगर एक चाइल्ड होगा उसका तो लेफ्ट वाला चाइल्ड होगा राइट साइड कभी नहीं हो सकता उसका है ना तो वन चाइल्ड दैट टू इन लेफ्ट

आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी ये है जी हमारा डिलीशन का काम ठीक है तो करना कैसे है वो आप बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं अब कोड कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर थोड़ा सा कोड दिखा दो तो मैं आपको दिखा देता हूं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है थोड़ा सा लंबा कोड है बट हम पकड़ जाएंगे उसको आराम से इंसर्शन वाला अगर हमारे को पकड़ में आ चुका है तो ये कोड भी हम बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे डिलीशन का लेट मी शो यू दैट ऑल्सो तो बेटा पहले तो थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लो थ्योरी समझ में आ गई सब लोगों को तो क्या करना है एट्टी से रिप्लेस कर सकते थे या फिर आप चाहते तो वन से रिप्लेस कर सकते थे एट्टी क्या है बेटा एट्टी क्या था हमारे पास ये लेफ्ट सबट्री में सबसे बड़ी वैल्यू थी तो मतलब प्रीडिसेसर और 125 सक्सेसर हो जाएगा मतलब राइट right सबट्री में सबसे छोटी वैल्यू बिल्कुल कॉमन सेंस से आप ये सब बातें समझ पाएंगे ये 80 यहाँ था ना और 125 यहाँ था एंड सॉम ठीक है चलो पकड़ में आ गया ठीक है जी अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड ठीक है तो पिक्टोरिया भी आप हर चीज को समझ चुके होंगे लो जी आ जाओ भाई कोड पे तो डिलीट आ, स्टक नोड डिलीट नोड ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया, मतलब, गया। तो फ्रूट इज इक्वल टू नल रिटर्न ठीक है जी तो मैं वो चला के दिखा देता ना सबसे बड़े इलाज क्या चला के दिखा दो है ना अपना एक ले आते हैं और करने की कोशिश करते हैं डिलीशन ठीक है जी तो हमारा कहाँ गया भाई अपना डायरेक्ट ट्री ये है ठीक है तो मी कॉपी दिस और यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट चलो जी शुरू हो जाओ फटाफट तो किसको डिलीट करें भाई है ना किसको डिलीट करें बोलो तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको एक आ, लीफ लिफ्टोट को डिलीट करके देखते हैं डायरेक्ट कैसे डिलीट होती है ठीक है कोड के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ लीफ नोट डिलीशन जैसे मेरे को वन नाइनटी को डिलीट करना है तो फंक्शन तो root. तो root को कॉल किया होगा तो आप बोलोगे की हंड्रेड नल तो नहीं है ना भाई अफकोर्स कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ मतलब कोई ना कोई एड्रेस है ये नल तो एड्रेस नहीं है तो मतलब चलना है हमारे को है ना तो रूट नल तो नहीं है तो रिटर्न रूट तो नहीं होगा तो फिर हम क्या कहेंगे रूट की इज ग्रेटर देन के ना जो भी हमारे को सर्च कर जो भी हमारे को के वैल्यू वो है जिसको डिलीट करना है तो मैंने अपने वहां से मतलब ऐसे समझ लो वॉइड मेन से मैंने डिलीट फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर मैंने रूट नोड का एड्रेस पास किया है और 190 दे दिया ये 190 जिसको मेरे को डिलीट करना था तो के के अंदर क्या आ गया बेटा 190 और ये रूट के अंदर वही एड्रेस आ गया हमारी रूट नोड का ठीक है जी हाँ जी तो अब 190 अब वो अब ये पहले तो सर्च कर रहे सौ नब्बे तो शुरू हो जाओ सौ से बड़ा है इधर आ गए है ना बट ये इसके लिए ध्यान रखना है हम कर कैसे रहे हैं रूट की इस ग्रेटर देन के हाँ जी है ना नहीं छोटी है रूट की रूट की की जो वैल्यू है वो हंड्रेड है ये हंड्रेड है और हमारे पास क्या है बेटा वन नाइनटी आई है तो ये के तो वन नाइनटी है और ये हंड्रेड इस ग्रेटर देन 190 नहीं तो हमारे को इसमें जाना है एल में जाना है तो रूट की इज लेस देन के यस तो रूट राइट इज इक्वल टू डिलीट नोड ये वही कहानी जैसे हमने इंसर्शन में करी थी तो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू हम करके छोड़ देंगे ठीक है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको और बड़ा कर लेते हैं ढंग से दिखेगा हाँ जी तो अब हम क्या बोलेंगे राइट चाइल्ड इज इक्वल टू जैसे इंसर्शन में काम कर रहे थे बेटा वही सारी कहानी और कुछ नहीं है ठीक है राइट चाइल्ड इज इक्वल टू इंसर्शन वाला फ्लो तो हमारा बना ही हुआ है हमने अभी किया ही था इंसर्शन वाला काम तो है ना तो बिल्कुल वैसे ही है शुरू हो जाओ फटाफट तो राइट साइड इज इक्वल टू हाँ जी आगे बढ़ गए अब अभी जरा जाएंगे दो 200 से एक सौ छोटा है तो बस सीधा लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू कर देना है फिर डेढ़ से बड़ा है तो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू कर देना है एक से बड़ा है तो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू कर देना है है ना 180 से भी बड़ा है तो राइट चाइल्ड इज इक्वल टू कर देना है और फिर राइट में आते चले जा रहे हैं हम लोग है ना और एक आकर के खड़े हैं तो ठीक है जी अब देखते हैं जरा क्या कहानी बनेगी आ जाओ पीछे हाँ जी तो अब हम क्या किया यहाँ पे हमने एक पे कॉल किया होगा एक पे जब आपने

फिर से कॉल किया तो एक पे आकर के आप खड़े हो गए एक पे आप फिलहाल खड़े हो ठीक है यहाँ पे आकर के खड़े हो और अब आप, आप बोलते हो क्या भाई रूट नल है नहीं रूट की वैल्यू ग्रेटर देन के है? नहीं रूट की लेस देन के है नहीं क्योंकि एक सौ नब्बे इज टू एक सौ नब्बे होता है भाई बराबर थोड़ी होता है मतलब लेस देन थोड़ी है एक सौ नब्बे ग्रेटर देन एक सौ नब्बे नहीं एक सौ नब्बे लेस देन एक सौ नब्बे नहीं तो फिर मतलब अब ये देखो इसलिए हमने कमेंट में लिखा हुआ है कि ये सब अगर ये ऊपर वाले तीन नहीं चले हैं तो इसका मतलब हम अपनी एक्चुअल नोट पे आकर के खड़े हो चुके हैं जिसको आपको डिलीट करना है अब यहाँ पे आकर के हमारे को देखना पड़ेगा कि इसकी जीरो चाइल्ड है वन चाइल्ड है या टू चाइल्ड है फिर वो सारी कहानी अब यहाँ पे हमने लिख रखी है देखो बेटा तो हम कह रहे हैं कि इफ रूट लेफ्ट इज इक्वल टू नल हाँ बिल्कुल देखो बेटा आराम से यहाँ पे हमने देखा कि इसका लेफ्ट नल है यहाँ पे 190 पे खड़े थे तो, रूट राइट, है? तो एक, एक नया पॉइंटर लिया और उसके लिए आप, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया रूट का राइट डाल दिया तो बाय चांस यहाँ पे रूट का राइट भी नल है तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा टेम्प इज इक्वल टू नल हो जाएगा एक किस्म से रा, रा, राइट बोल दिया ना आई होप आप समझ पा रहे हो और फ्री कर दिया रूट को और रिटर्न कर दिया टेम्प ये मजा आएगा आप अब देखना जरा ध्यान से तो फ्री कर दिया आपने रूट को तो मतलब ये नोट हमारी फ्री हो गई, और रिटर्न हो गया टेम्प, तो टेम्प कहा रिटर्न होगा बेटा यहाँ पे रिटर्न होगा तो इसका राइट चाइल्ड में क्या चला जाएगा टेम्प इज इक्वल टू नल था तो राइट चाइल्ड में क्या चला जाएगा इसके नल ख्याल से आपको पकड़ में आ रहा होगा ठीक है जी अब तो वो वो जो हम अपना करते आ रहे थे तो फिर ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा और राइट साइड में वो ये एक सौ अस्सी आ जाएगा है ना क्यों क्योंकि हमने अल्टीमेटली नीचे देखो हमने लिखा हुआ होगा ये र, 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 रिटर्न टाइम करना है और ये सब एल्स वेल्स करने के बाद ये देखो बेटा फाइनली हमने लिख रखा है यहाँ पे रिटर्न रूप रिटर्न रूट तो रिटर्न रूट का मतलब क्या होगा आप ये जो भी वैल्यू होगी वो करते क्योंकि अभी हमने तो बस ये किया ना बेटा ध्यान से देखो से देखो आराम ये लेफ्ट साइड ही बाय चांस हमारे को नल मिल चुका था तो ये सारी कहानी कर लिया हमने तो इफ चल चुका तो इफ नहीं चलना और एल्स भी नहीं चलना एल्स सारा खत्म कहाँ पे हो रहा है बेटा जा करके यहाँ पे खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे रूट रिटर्न कराएंगे ठीक है ना आई होप आप समझ पा रहे हो गए एक मिनट रुकना एल्स कहाँ खत्म हो रहा है अः uh... अच्छा हाँ ठीक है ठीक है एल्स में बेटा पूरा ये है हाँ तो ये ये काम नहीं चल... उपस, ये काम हम्म हाँ अच्छा एल्स एल्स में था ना रिटर्न रूट तो ठीक है ये इसने इसने तो अपना रिटर्न टाइम कर दिया ना फंक्शन कॉल के हिसाब से चलो हाँ ठीक है सॉरी फॉर देट मैं गड़बड़ कर रहा था फंक्शन कॉल के हिसाब से चलो ना तो इसने रिटर्न टाइम कर दिया ना बस ये ये फंक्शन कॉल खत्म होगी तो इसने टाइम ऊपर रिटर्न मारा तो ठीक है जी यहाँ ऊपर रिटर्न हो गया वो अब जो जब एक सौ अस्सी वाला आपने फंक्शन कॉल किया हुआ था तो वहां पे तो बेटा ये, ये थी, थी ना ये ये था ना हमारे पास ये ये चीज थी रूट की इज लेस देन के था 180 पे जब आपने फंक्शन कॉल किया था तो 180 वाले ने ये डिलीट नोड वाला काम हम कर चुके हैं और उसके बाद क्या रिटर्न करवाना है रिटर्न रूट ये वाला रिटर्न तो हाँ, तो मारा तो रा, राइट साइड में एक सौ अस्सी का आ गया अब एक सौ में, वाले बेटा हमने राइट साइड वाला कॉल कर रखा था है तो वही एक सौ पिछत्तर में भी यही था तो डिलीट ये हम कॉल कर चुके हैं इसका रिटर्न हो चुके है वैल्यू अब ये क्या रिटर्न मारेगा रिटर्न रूट तो मतलब एक सौ का एड्रेस ठीक है एक सौ पचहत्तर का एड्रेस यहाँ चला जाएगा वो इंसर्शन वाली बात है सारी बेटा और कुछ भी नहीं है तो डेढ़ सौ में एक सौ पचहत्तर का वो एड्रेस आ जाएगा है ना और ये लेफ्ट साइड वाला और ये 100, ये हंड्रेड का राइट right साइड ये दो सौ ही बन जाएगा एंड सो so, सब कुछ रिटर्न हो जाएगा ऊपर ऊपर वापस वापस जैसे इंसर्शन में हुआ था सारा वापस वापस रिटर्न हो जाएगा ठीक है तो लीफ नोड वाली कहानी हमने कर ली तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीफ नोड के लिए हमने अलग से कोड नहीं लिखा हमने सिर्फ ये कोड लिख लिया कि अगर लेफ्ट साइड नल है या राइट साइड नल है ठीक है रूट में लीफ में तो बाई चांस यही है कि लेफ्ट और राइट दोनों नल है और आप देखते हैं हमेशा लेफ्ट के हिसाब से हो कि पहले लेफ्ट लेफ्ट कोड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेफ्ट चाइल्ड हमारा नल है तो हमारे को ये कहानी करनी है ठीक है ये 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 देख लो बेटा ये, ये कहानी करनी है तो इफ रू, रूट लेफ्ट इज इक्वल टू नल तो हमने ये कहानी करनी है तो अगर अगर लीफ तो उसका राइट चाइल्ड भी नल ही निकल आएगा तो टैंप जो होगा ना रिटर्न जो टैम्प हम करेंगे टैंप नल रिटर्न हो जाएगा ऐसे ठीक है अच्छा जी अब देखो जैसे अगर मैं कोई ऐसी नोट को डिलीट करना चाहता हूँ जिसका एक चाइल्ड है उसके लिए कहानी करके देखते हैं ठीक है लेट अस सपोज आई वॉन्ट टू डिलीट से थर्टी थर्टी को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो देखते जरा क्या होगा ठीक है कोड को चला के दिखा रहा हूं। बे, बस बेटा मेरे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और कोड है एक झटके में आपको समझ में भी आ रहा होगा तो सबसे पहले तो हम नारे को उसको सर्च करना पड़ेगा है ना इसको थर्टी को सर्च करना तो 100 है तो हंड्रेड से छोटा है तो एल सी इज इकल टू हम लिखेंगे ये देख लो बेटा आराम से ये काम तो वही है है ना काम तो वही है हम्म हाँ भाई तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्या रूट नल है नहीं 100 वाला नल तो नहीं है एड्रेस है कोई ना कोई तो बोलेंगे कि क्या रूट की ग्रेटर देन के है हाँ जी 100 है और 100 इज ग्रेटर देन 30 यस ट्रू है तो आप रूट लेफ्ट इज इक्वल टू तो ये बोलोगे तो मतलब लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू तो ये आपने फंक्शन कॉल कर दी है और जब फंक्शन कॉल सब कुछ हो हो आ जाएगी तो फिर हम रिटर्न रूट करेंगे

तो फिर हमने फिफ्टी का एल सी कर दिया ना एल सी टू कर दिया आप थर्टी पा करके खड़े हो गए मतलब एक्चुअल जिसको डिलीट करना है उस कर के खड़े हो चुके हैं अब हम जा करके देखेंगे हाँ जी तो फिर अब आपने ये ये रूट लेफ्ट करा ना तो थर्टी वैल्यू आ चुकी है माइंड में रखना थर्टी आ चुकी है तो रूट नाला नहीं थर्टी है कोई ना कोई वैल्यू है मतलब तो थर्टी का जो भी एड्रेस होगा जिस जो भी नोट का एड्रेस होगा वो आप देख रहे हो क्या वो और नल बराबर है नहीं उसका तो कोई ना कोई एड्रेस है है ना क्योंकि वो नोड है तो उसका उसका कोई, कोई है तो वो एड्रेस नल तो नहीं है ठीक है जी अब, अब नीचे आ करके बोल रहे हो क्या रूट लेफ्ट नल है नहीं रूट लेफ्ट नल नहीं है बेटा ध्यान से देखो ये ये थर्टी है थर्टी पे आप खड़े हो थर्टी का लेफ्ट नल तो नहीं है इसमें तो टेन का एड्रेस है है ना तो ठीक है जी तो ये नहीं चला अच्छा जी तो फिर अब हम आएंगे और नीचे तो इस वाले स्टेप पे आएंगे अब हम बोलेंगे l صف root right is equal to null हां root right टनल है root right तो नल है तो नल है तो फिर अब हम क्या करेंगे स्टक नोड स्टार्ट temp is equal to root left ठीक है जी तो temp में आपने रूट का लेफ्ट स्टोर कर दिया मतलब क्या हुआ ये temp में आपने ये स्टोर कर दिया ये 10 का एड्रेस ठीक है तो temp is pointing here अच्छा जी उसके बाद अब आप क्या कह रहे हो फ्री रूट ठीक है जी रूट को आप फ्री कर रहे हो मतलब इसको आपने उड़ा दिया और उड़ाने के बाद अब आप, आप क्या कह रहे हो रिटर्न टेम्प रिटर्न टेम्प कर रहे हो मतलब इस नोड का एड्रेस ये जो भी एड्रेस था वो आप रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न कहाँ पे जाएगा बेटा जहाँ पे कॉल किया गया था तो एल सी ये था ना तो यहाँ पे जाएगा बेटा एड्रेस ठीक है तो वही चीज मैंने आपको बोली थी कि थर्टी बीच में से उड़ा के अब आप फिफ्टी का लेफ्ट चाइल्ड टेन कर दोगे तो यही बात हुआ एल सी इज इक्वल टू ये एड्रेस आ जाएगा जो भी एड्रेस रहा होगा सपोज कर लो से इस नोट का एड्रेस रहा पांच सो तो यहाँ पे एल सी इज इक्वल टू पांच सौ आ गया तो फिफ्टी का लेफ्ट चाइल्ड ये हो गया आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है बेटा तो थर्टी पे प्लीज ये ध्यान रखना बेटा जब थर्टी वाली नोट पे थे आप तो आपने क्या किया ये ये सब कुछ खत्म हो चुका था ये सब हुआ ही नहीं तो एल सिर्फ आपने क्या बोला ये ये आपने थर्टी वाले नोट पे जब थे तो ये ये सब चला ये सब चलने के बाद आपने क्या करा रिटर्न टैंप कर दिया तो थर्टी वाले नोट पे खड़े होकर आपने रिटर्न टैम करवाया तो कहां पे जाएगा बेटा फिफ्टी वाले नोट पे पीछे जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया था तो फिफ्टी वाले पे आपने फंक्शन को कॉल किया था एल सी इज टू करके हमने छोड़ दिया था और यहाँ पे आकर के हम खड़े थे तो फिर वही बात है टैम पीस में जाएगा थोड़ा सा आप सोचो प्लीज ये सब फालतू की बात है मैं ज्यादा बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एल सी इज टू फाइव हंड आ जाएगा ठीक है जी उसके बाद फिर वही बात है इस नोट का एड्रेस जो भी होगा वो एल सी में चला जाएगा इसके वो तो खैर उसको हमारे को टेंशन ही नहीं है क्यों क्योंकि जब आप फिफ्टी पे थे तो आपने ये ये बोला था ना ये रूट की इज ग्रेटर देन के आया था तो आपने रूट लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोट ये आपने यहाँ से वैल्यूज आ चुकी हैं तो अब आप रिटर्न रूट करोगे तो वही बात है फिफ्टी का एड्रेस ऊपर जाएगा हंड्रेड की तरफ ठीक है आई होप आप समझ पा रहे हो गए तो फिफ्टी का एड्रेस ऊपर तो इंसर्शन वाली बात है फालतू की बात है तो इस नोट तो तो का जो भी एड्रेस होगा से वन थाउजेंड एड्रेस होगा तो एल सी इज इक्वल टू वन थाउजेंड वही जाएगा और हम हंड्रेड का जो भी एड्रेस होगा वो ऊपर मेन में रिटर्न करा देंगे से। हाँ, अब हम बात करते हैं दो चाइल्ड की उसकी कहानी कर लेते हैं जरा क्या होगा, लेट मी शो यू हाँ जी और ये भी चेक कर लेंगे कि जो हमारा कोड है ये कैसे चल, चलता है ना दो नोड के केस में कैसे चलता है कि लेफ्ट वाली साइड जाता है पहले या मतलब सक्सेसर से रिप्लेस करता है या प्रीडी से रिप्लेस करता है वो भी हमारे को पता लग जाएगा देख करके चलो तो एक नोड वाले में आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होगा तो ऐसे ही आप ये होमवर्क है पांच सौ के लिए आप चेक करेंगे आप, इससे एक, एक तो 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 आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कोड में ठीक है बेटा कोड को क्लियर करना हमारा सबसे बड़ा वो है तो ठीक है जी हम्म तो हमने सबसे पहले बोल दिया हंड्रेड पे हम खड़े थे क्या रूट इज टू नल है नहीं तो हमने बोल दिया रूट की

करवाएंगे मतलब हंड्रेड जी फिर अभी इधर टू हंड्रेड पे खड़े हो गए क्योंकि राइट करा है ना हमने ये देखो बेटा आराम से ये रूट राइट कॉल किए तो रूट राइट मतलब रूट में जाएगा ठीक है जी तो अब आकर के खड़े हो जाएंगे यहाँ पे दो सौ पे खड़े हो गए दो सौ पे खड़े होने के बाद अब हम क्या कहेंगे कि क्या हमारा जो पांच सौ को डिलीट करना था ना तो हमने कंपेरिजन किया तो पांच तो बड़ा है दोस्तों से तो फिर वही बात आएगी राइट साइड इज इक्वल टू करके भाग जाएंगे अब पांचों पे खड़े हो गए आगे जो हमारी एक्चुअल नोड है उसपे खड़े हैं तो अब देखना बेटा ऊपर वाले सारे स्टेप बाईपास हो जाएंगे रूट इजिकल टू नल नहीं होगा रूट की ग्रेटर देन के नहीं होगा रूट की लेस देन के नहीं होगा तो हम अब अपनी नोड पे आकर खड़े हैं अब हम बोल रहे हैं क्या रूट लेफ्ट इजिकल टू नल है यस रूट लेफ्ट नल है आराम से देखो इस रूट का जिस भी आप नोड पे खड़े हो उसका लेफ्ट नल है नल है तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है आपने क्या करना स्टार्ट है स्टार टेंप, टेंप root right. ठीक है जी तो रूट राइट मतलब यहाँ पे तो टैंप जो होगा वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा सात को ठीक है जी उसके बाद क्या करना है फ्री रूट रूट को फ्री करना है मतलब ये रूट फ्री हो गया पांच उड़ गया उड़ाने के बाद रिटर्न टेम्प टेम्प रिटर्न करवाया तो अब 500 पे थे ना बेटा प्लीज ध्यान रखना 500 पे थे तो आपने रिटर्न टेम्प करवाया तो टेम्प रिटर्न कहाँ पे होगा यहाँ पे 200 वाली पे उससे पीछे

आई होप आप पकड़ पा रहे होंगे अच्छा जी अब हम देख लेते हैं भी दो चाइल्ड वाली नोट है ना बस जो फाइनल हमारा बचता है दो चाइल्ड वाली नोट का बचता है उसकी भी कहानी हम फटाफट से कर लेते हैं चलो जी कैसे करेंगे सीधा हम करते हैं टेंशन ही खत्म करते हैं ना बड़े से बढ़िया काम करके देख लेते हैं बड़े से बढ़िया काम क्या होगा भाई इसी को रूट को डिलीट करवाते हैं ना हंड्रेड वाले को ठीक है हंड्रेड वाली को सीधा डायरेक्ट डिलीट करवाते हैं देखते हैं जरा कैसे चलता है ये चलते या सक्सेसर लेट मी शो यू दैट ठीक है ये पूछ सकते हैं सवाल कि के हिसाब से चल रहा है सक्सेसर के हिसाब से चल रहा है कोड दे करके आपसे पूछ सकते हैं तो चलाना तो आना चीना कोड हमारे को ठीक है तो सीधा रूट को डिलीट मारते हैं सो so, हंड्रेड को है ना तो आई वॉन्ट टू डिलीट द इसी को डिलीट करना है तो जी आए फटाफट से रूट इज इक्वल टू नल नहीं क्या रूट की इज ग्रेटर देन के नहीं लेस देन के नहीं तो सारे केसेस बाईपास हो जाएगा यहाँ से और सीधा हम आगे नीचे मतलब हमारे को वैल्यू मिल चुकी है जिसको आपको डिलीट करना है तब तो आप कह रहे हो क्या रूट लेफ्ट इज इक्वल टू नल है नहीं रूट का लेफ्ट तो है हमारे पास वैल्यू हंड्रेड का लेफ्ट है अच्छा ऐसे ही फिर आप कह रहे हो क्या रूट राइट नल है नहीं वो भी नल नहीं है मतलब ये दो सौ है ना लेफ्ट राइट दोनों ही नल नहीं है तो मतलब इसके दो चाइल्ड है दो चाइल्ड है तो अब देखो भाई इफ वो चिल्ड्रेन एग्जिस्ट देखो भाई अब हम एल्स पे आ गए ठीक है ना इफ एल्स एल्स पे फाइनली आए तो अब आपने क्या किया स्टार सक्सेस पेरेंट इज इक्वल टू रूट तो सक्सेस पेरेंट इज इक्वल टू रूट में रखा है आपने तो मैं लिखता जाता हूँ ठीक है सक्सेस पेरेंट एस पी लिख देता हूँ ठीक है एस पी एस पी इज इक्वल टू रूट तो ये जो जो भी होगा से जो भी इसका एड्रेस होगा वो हमने इसके अंदर रख लिया ठीक है तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं सीधा ऐसे बोलता हूँ मैं फालतू की आपको परेशान नहीं करता मैं सीधा बोलता हूँ एस पी एक पॉइंट आया सक... ये एस पी इसको पॉइंट करने लग चुका है ऐसे बात का ठीक है थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सक्सेसर पेरेंट ठीक है सक्सेसर पेरेंट इज इक्वल टू रूट तो से समझ में आ रहा होगा आप सक्सेसर के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग प्री के हिसाब से नहीं चल रहे हैं वैसे तो कमेंट में साथ साथ लिखा हुआ ताकि आप चीजों को पकड़ सके हाँ जी तो सक्सेस पेरेंट इज इक्वल टू रूट अच्छा फाइंड सक्सेसर उसके लिए क्या कर रहे तो सक्सेसर इज इक्वल टू रूट राइट हो गया है तो रूट का राइट ये एस हो चुका है सक्सेसर ये सक्सेसर पेरेंट और ये सक्सेसर तो समझ रहे हो ना दो पॉइंटर हम लेके चलेंगे सक्सेसर को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे फिर सक्सेसर पेरेंट को आगे आगे मतलब सक्सेसर पेरेंट उससे पिछले नोट पे खड़ा होगा जहां पे सक्सेसर खड़ा होगा सक्सेसर पेरेंट उसके पीछे पे खड़ा होगा ठीक है जी चलो अब आगे आ जाओ हाँ जी तो अब हम ये सक्सेसर कर चुके रूट राइट अब हम क्या कह रहे हैं वाइट सक्सेस लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल मतलब जब तक एस का लेफ्ट नल नहीं हो जाए मतलब इसका लेफ्ट जब तक हमारे को मिलता जाएगा हम लेफ्ट 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 चलते चले जाएंगे यही हमने लिखा हुआ वो सक्सेस वही एक बार राइट आने के बाद फिर सारा लेफ्ट 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 वही कानी हम कर रहे हैं ठीक है सक्सेस लेफ्ट लेफ्ट इज 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 नॉट इक्वल 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 टू 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 नल सक्सेसर 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 पेरेंट एंड आपको समझ में आ रहा होगा है ना आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तो मतलब अब आपको क्या करना है ये ये नल तो नहीं है इसका लेफ्ट नल तो नहीं है तो सक्सेस पेरेंट हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा और एस हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा फिर हम बोलेंगे क्या एस का जो लेफ्ट है वो नल तो नहीं है देखो बेटा यही है रूट में इस में इसमें हम ये चेक कर रहे हैं सक्सेसर सक्सेसर का का लेफ्ट yes, का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल नल यस नहीं है तो अब हमारे को क्या करना है तो सक्सेस पेरेंट हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा और सक्सेसर हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा अब हम देखा सक्सेसर का जो लेफ्ट है वो नल है देख लो बेटा आराम से है ना सक्सेसर का लेफ्ट हमारा नल है तो ठीक है जी लूप टूट गई

अब हम सीधा बोलेंगे बेटा सक्सेसर पेरेंट लेफ्ट डेट विल बी इक्वल टू सक्सेसर राइट ठीक है सक्सेसर का राइट right उठा करके सक्सेसर पेरेंट के लेफ्ट में डाल देना है देखो जरा आराम से आकर के ठीक है तो सक्सेसर पेरेंट के लेफ्ट में सक्सेसर का राइट अब सक्सेसर का राइट तो कुछ है ही नहीं नल है तो ठीक है जी तो सक्सेसर पेरेंट के लेफ्ट में हम नल डाल देंगे नहीं तो अगर कुछ वैल्यूज होती जैसे सपोज कर लो 125 के बाद 127 होता है ना और 128 होता ऐसे जो भी वैल्यूज होती तो मतलब सक्सेसर पेरेंट के लेफ्ट में एक का एड्रेस आ जाता बस ये हम काम कर रहे हैं वो हमारे को करना भी था मतलब एक को उड़ाना था वो हम उड़ा चुके हैं ठीक है टेके? अच्छा जी तो मतलब ये चीज होगी अच्छा ये होने के बाद अब हम क्या कहेंगे रूट की इज इक्वल टू सक्सेसर की तो अल्टीमेटली अब हमारे को सक्सेसर का कॉपी करना होगा तो सक्सेसर की की वैल्यू रूट की में डाल देंगे तो सक्सेसर की है ना तो ये 125 थी ना सक्सेसर की की वैल्यू उसको उठा करके रूट की की में मतलब 100 में डाल देना है तो मतलब 100 को उड़ा देना है और यहाँ पे सीधा 125 स्टोर करा देना है

एक सौ पच्चीस अब रूट है ना तो जो भी इसका एड्रेस नोड का, का होगा वो हम अपने मेन फंक्शन में रिटर्न करा देंगे वो तो खैर कराना ही था है ना फाइनली हमारे को वैल्यू रिटर्न करवानी थी ये हो गया अच्छा अब एक ये पॉइंट रह गया कि इफ सक्सेसर पेरेंट रहेगा किस नोटिकल रूट तो ये चला है अगर सक्सेसर पेरेंट रूट के बराबर आ गया तो क्या करेंगे तो मतलब मोटी मोटी बात क्या हुई है कि जो सक्सेसर पेरेंट है वो यहाँ से हिला ही नहीं मतलब इन द सेंस कि जब हम सक्सेसर ढूंढने के लिए गए तो र, 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 राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही चाइल्ड था और कोई चाइल्ड ही नहीं था तब क्या करना होता तो बहुत इजी काम है बेटा इसी इसलिए हमने ये अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है तो आप समझ लो एज्यूम कर लो कि मतलब जब हम हंड्रेड के राइट में दो सौ आए दो सौ के लेफ्ट में और कुछ है ही नहीं मतलब तो लेफ्ट के लिए गए तो कुछ मिला ही नहीं समझ लो ये सारे कोई नीचे नोड है ही नहीं तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये सक्सेसर पेरेंट यहाँ पे खड़ा है और सक्सेसर हमारा इनिशियली यहाँ पे खड़ा था और समझ लो नीचे सारा कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं है नीचे तो देखना जरा क्या होगा तो देख दिखाता हूं मैं आपको तो सक्सेसर पेरेंट रूट इक्वल ना, ना रूट के बराबर आया है सक्सेसर पेरेंट रूट के बराबर आया है क्योंकि हम आगे बढ़ा ही नहीं हमारे पास सीधा यही हुआ सक्सेसर पेरेंट यहाँ खड़ा था और सक्सेसर यहाँ खड़ा था इनिशियलाइज हमने ऐसे किया था मैं टॉपर तो देखकर क्या हो हमने इनशियल ऐसे किया था है ना क्या किया था हमने सक्सेसर पेरेंट इज इक्वल टू रूट हमने रखा ही था सक्सेसर पेरेंट में रूट रखा था और फिर सक्सेसर इज इक्वल टू रूट का राइट सक्सेसर हमारा रूट के राइट पे आकर के खड़ा था के राइट में कुछ है ही नहीं तो एक नोड मतलब उस नोड को डिलीट करना है जिसका एक ही चाइल्ड है वो ऊपर वाले केसेस अपने आप हैंडल कर लेंगे वो फालतू की बातें मत करना तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना दो चाइल्ड है ना रूट के मतलब जो भी नोड है उसके दो चाइल्ड अभी तो हम डिलीशन के लिए आए हैं नहीं तो ऊपर तो ही सारा हैंडल हो जाता है वाली एल्स वाली बातें ऊपर कर रखी है।, है ना यहाँ पे आने का मतलब ये दो चाइल्ड है थे। एल्स वाले में आने का मतलब एक, एक चाइल्ड हुआ या जीरो चाइल्ड हुआ वो हम पहले काम कर चुके हैं तो मतलब यहाँ पे मिलना ही मिलना है कुछ ना कुछ तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सक्सेसर इक्वल टू सक्सेसर पेरेंट रूट किया है आपने और स्ट नोट स्टार्ट सक्सेसर टू रूट राइट दोनों ही नल नहीं मिले होंगे ये भी नल नहीं है ये भी नल नहीं है दोनों ऑफकोर्स मिलेंगे

वेरी वेरी इजी तो सक्सेसर पेरेंट का जो राइट होगा अब बस सीधा इस नोट को बीच में सोड़ाना है और यहाँ पे हमारे को देना है बस ये कहानी थी ठीक है आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ जी तो बस डेट सेट ये हमारे केसेस थे मैं बहुत ज्यादा डीप में और बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैंने मेरे को कोर्ड दिखाने की जरूरत नहीं थी मैंने फिर भी आपको कोर्ड दिखाया ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए पर हमने यहाँ पे जो इस सारा काम किया बेटा वो सक्सेसर के हिसाब से करा है आप चाहते तो प्री डिसेसर के हिसाब से भी कर सकते थे वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो मेरे से करवाओगे तो बेटा प्लीज बहुत बड़ा जुलम हो जाएगा मेरे ऊपर और बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं मैं इतना चाहता नहीं आपका टाइम पर बात करना तो प्री डिसेसर वाला आप अपने आप करेंगे थ्योरी में जाने बार बार बोलते बेटा कोड वगैरह तो सब कोई भी आराम से लिख सकता है कुछ भी नहीं होता तो ओनली थिंग इस थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए थी डिलीशन करनी कैसे वो हमने बहुत ढंग से सीखी है आई होप आप पकड़ पा रहे हो ठीक है बेटा चलो तो अब मैं अब वही बात आएगी एनालिसिस ठीक है analysis, तो ये सब हमने देख लिया डिलीशन कैसे करना है इंसर्शन क्या था ऐसे इसका भी करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं बेटा है। case, case case. Case बेटा है है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट बेस्ट केस 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 वर्स्ट और एवरेज में अगर आप हर चीज बेस्ट मानते हो देखो तीन स्टेप हैं सबसे पहली बात तो आपको फाइंड करना है नोट को जिसको भी आपको डिलीट करना है फाइंड करने के बाद हम उसको डिलीट करते थे है ना तो और डिलीशन में अगर जीरो चाइल्ड है नोट का

तीन सौ ऐसे करके पूरा ट्री हमारा फैला हुआ है एंड ऑन बट इसका लेफ्ट साइड कुछ है ही नहीं तो और हंड्रेड को ही आपको सीधा डिलीट मारना है और प्लीज ये मत बोल देना कि सर एक ही नोड है उसी को डिलीट करें एंडसॉन वहां पर बेटा एन नोड्स का ट्री होता है हमारे पास है ना एन नोड्स का ट्री होता है और वो टोटल एन नोड्स को आपने एडजस्ट इस तरीके से किया कि रूट नोड के सारे सिर्फ राइट राइट में आ रहे हैं या मतलब रूट नोड के राइट में सारा कुछ है या फिर रूट के सारा लेफ्ट में है हमारा वो एक नोड वाली वाली डिलीशन वाले तो क्या करते थे हम लोग उस नोड के ऊपर खड़े हो जाते थे है ना? मतलब उसके, उसके पेरेंट पे खड़े हो जाते थे और उसका जो राइट चाइल्ड होता था मतलब जैसे लिंक लिस्ट में क्या करते थे है ना एक नोड पीछे जा करके खड़े हो जाओ और इस नोड का जो नेक्स्ट होगा वो उसका नेक्स्ट लिस्ट की भाषा में बोल रहा हूँ मतलब राइट साइड है तो राइट साइड हम बोल के भाग जाए करते थे बट अब मजे की बात क्या है कि रूट का कोई ऊपर नोड है ही नहीं तो फिर क्या करें कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है हम कोड में ऐसे दिखाएंगे अब क्या रूट के ऊपर कुछ नहीं है। तो सीधा रूट को डिलीट मारना ये दिस विल बी योर न्यू रूट नोड सो सिंपल कुछ है ही नहीं ठीक है डायरेक्टली रूट बन जाएगी तो क्या कोड ने यही काम करके दिखाया है तुम्हारे को लेट मी शो यू है ना कोड ने भी यही काम करके दिखाया है ना तो जैसे सपोज करो आपने सबसे पहले कॉल किया और रूट इज इक्वल टू नल नहीं निकला जैसे हंड्रेड को ही हमारे को डिलीट करना है है ना और हंड्रेड के सारे राइट में सब कुछ कुछ आ रहा है लेफ्ट में कुछ नहीं है ऐसे सोचो तो आपने रूट इज इगोल टू नल तो नहीं हुआ तो फिर ये ये सब ये सब भी बाईपास हो गया क्योंकि हमारे को हंड्रेड को डिलीट करना था तो अब आप नीचे आओगे आप कहते हो कि इफ रूट लेफ्ट टू नल यस रूट लेफ्ट नल है तो अब क्या करोगे स्टार्ट टेम्प इज इगल टू रूट राइट तो टैम्प इज इक्वल टू रूट राइट करा ठीक है तो ये जो भी से सपोज कर लो ये दोस्तों था तो टैंप इसको पॉइंट करने के लिए आ गया है ठीक है टेम्प इसको पॉइंट करने के लिए आ गया है और अब हम क्या कह रहे हैं Hmm, कहा गया हाँ आ, हाँ तो ठीक है ये टैंप इस रूट राइट हो गया तो आप क्या करो फ्री रूट और फिर रिटर्न टाइम आ गया ना मजा फ्री रूट रूट को आपने फ्री कर दिया मतलब तो इसको आपने फ्री कर दिया और रिटर्न कर दिया टाइम तो टैम्प तो तो अब ये मुझे मजे की बात ये टैंप का रिटर्न होगा मेन में तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब ये हमारी रूट बन के बैठ गई ठीक क्योंकि मेन में हम रूट का ये एड्रेस रिटर्न करते थे तो अब ये रूट हमारी बन चुकी है नहीं ठीक है तो कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रूट को हंड्रेड को डिलीट करना डेट इजी इसको उड़ाओ और अप्रेड विल बी अवर न्यू रूट नोड ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इसको आप ऊपर मेन में, में रिटर्न कराओ काम खत्म तो वही बात है भाई तो फाइंडिंग में भी इसलिए कोड दिखाया है कि आप जल्दी काम कर पाओ है ना तो फाइंडिंग में भी थीटा वन टाइम और जीरो चाइल्ड या वन चाइल्ड रिलेशन है वो हमारे को पता ही है भाई थीटा वन टाइम में हो जाती है तो बेस्ट केस में यही कहानी चल रही होगी ठीक है तो बेस्ट केस में बिल्कुल बेस्ट केस में आप क्या कहोगे फाइंडिंग में थीटा वन टाइम मतलब आप रूट को ही आप फाइंड कर रहे हो डायरेक्ट है ना root of BST, और उसका एक ही चाइल्ड है ठीक है औ, और उस, उसका एक ही चाइल्ड है जीरो और वन को भी छोड़ो एक ही चाइल्ड है उसका एक ही है और आप उसी को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो वही बात है रूट को डिलीट करना चाह रहे तो थीटा वन टाइम लगने लगना है बस सीधा ऊपर बस ये ये रूट बन जाएगा को रिटर्न करवा रहे हैं तो बेस्ट केस में बेटा क्या होगा थीटा वन टाइम

दैट इज द बेस्ट केस अच्छा जी वर्स्ट केस की बात करेंगे तो क्या होगा जी वर्स्ट केस का मतलब होगा कि आप क्या कर रहे हो अफकोर्स फाइंडिंग में भी बुरे से बुरा दिन और आगे डिलीशन में भी बुरे से बुरा दिन तो अब एक बात ये ध्यान रखना बेटा बुरे से बुरे दिन दोनों में नहीं आता क्योंकि फाइंडिंग में अगर आप वर्स्ट केस की बात करने की कोशिश करोगे तो मतलब आप नोट नोट को ढूंढने के लिए गए और बिल्कुल लास्ट में जाकर के हमारे को लीफ पे मिलती है वो नोट है ना और अफकोर्स याद आ रहा होगा आपको फाइंडिंग का टाइम सर्चिंग का टाइम हमारा थीटा एन हो जाता था फर्स्ट केस में बट वो थीटा एन तब आएगा ना बेटा जब बिल्कुल लास्ट में जाकर के आपको वो नोट मिलती है अब लास्ट में मिली वो तो बेटा फिर चाइल्ड नोट ही होगी मतलब वो लीफ ही होगी अगर बिल्कुल लास्ट में मिली है और उसके बाद जब आप उसको डिलीट करोगे तो कौन टाइम लगेगा तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि दोनों का बुरा दिन नहीं सकता मतलब फाइंडिंग में भी और डिलीशन में भी दोनों का वर्स्ट केस बन जाए वो चीज नहीं होगी तो वर्स्ट केस में या तो आप फाइंडिंग के हिसाब से वर्स्ट केस देखोगे या आप डिलीशन के हिसाब से वर्स्ट केस देखोगे ठीक है तो अगर मैं अब एक बात करता हूँ कि फाइंडिंग के हिसाब से वर्स्ट केस देखने की कोशिश कर रहे होगे तो ट्री ऐसा कुछ बना पड़ा होगा हमारे पास है ना राइट right स्क्यूड और बिल्कुल लास्ट वाली नोड को आप डिलीट करना चाहते हो तो एंड नोट्स थी ऐसे सारी लगी हुई थी और बिल्कुल लास्ट में जाकर के डिलीशन करना था आपको तो ऑफकोर्स फाइंडिंग में हमारा ठी टाइन टाइम खर्च हो चुका होगा और फिर डिलीशन तो कॉन्स्ट टाइम लेगी लेगी तो मतलब मोटी मोटी बात क्या आएगी वर्स्ट केस में ठी टाइन आना ही आना है कन्फर्म है बात मतलब समझ आ रही है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बिल्कुल लास्ट में जाकर के पहुंचे हम लोग नोट पे और उसके बाद डिलीशन बहुत ईजी होगी हमारा काम खत्म है नहीं तो आप यू भी सोच सकते थे कि हम क्या करते हैं हाँ बट ठीक है बात बनेगी नहीं ऐसे है ना और और फिर अगर आप आ, अगर आप फाइंडिंग के लिए बोलते कि जल 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 हो कि ठीक है फाइन जल्दी जल्दी होगी हमारी कौन सा टाइम आपने उसको फाइंड कर लिया और फाइंड करने के बाद फिर जब डिलीशन की बात आएगी वहां पे वस्त कैसे बन जाएगा कि उस नोड के दो चाइल्ड मिले और दो चाइल्ड मिले फिर हम वही बात है सक्सेसर ढूंढने में हमारी जान निकल गई या प्री ढूंढने में हमारी जान निकल गई ठीक है तो मतलब ऐसे समझ लो बेसिकली वट वी वॉन्ट टू डू इज से हम रूट को डिलीट करना चाहते हैं ठीक है और वो हमारे को फाइंड फटाफट हो गई और उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं कि एक बारी आप राइट में आए हो और उसके बाद फिर लेफ्ट 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 करते करते ये सारी एंड नोट हमारे यहाँ खर्च हो गई ऐसे आप सोच सकते हो वर्ष केस के लिए ठीक है तो यू वॉन्ट टू डिलीट दिस रूट नोट और सक्सेसर से हम लोग रिप्लेस करने के एलगोर्द हमारा ऐसा कि सक्सेसर को रिप्लेस कर रहे हैं से रिप्लेस नहीं कर रहे सक्सेसर से कर रहे हैं ठीक है जी तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं रूट नोट पे खड़े हैं और ए, एक चाइल्ड इसका और मान लो है ना क्योंकि अगर आप सीधा ऐसे ही बोलोगे कि रूट ये रूट का फिर एक ही चाइल्ड हो जाएगा बेटा और वो हम अभी करके दिखाए हैं इसको डिलीट करना है और सीधा इसको रिटर्न करवा देना है इस नोट का एड्रेस हम रिटर्न करा देंगे वो तो बेस्ट केस बन जाएगा तो वो का मत करना तो इसका एक नोट और रख लेना यहाँ पे तो रूट का एक लेफ्ट एक साइड भी है और राइट right में एक साइड है उसके बाद फिर आगे सारे उसके लेफ्ट में घुस गए ठीक है जी तो टोटल एन नोड्स हमने इस तरीके से एडजस्ट कर रखी हैं तो अब वही बात सक्सेसर से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो एक बार राइट आए उसके बाद लेफ्ट 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 लाइफ चलते फिर इससे आपको रिप्लेस करना होगा तो ऑफकोर्स वो सक्सेसर ढूंढने में हमारी जान निकल गई ठीक है ना तो सक्सेसर ढूंढने में ही हमारे वही सारा एन एन टाइम खर्च हो गया तो डायरेक्टली डायरेक्टली वही बात उठेगी तो वर्ष केस में थीटा ठीटाइन नहीं आना है तो थीटा टाइन वही बात है बुरे से बुरा दिन देखना चाहते हो तो दो तरीके हैं या तो फाइंड के हिसाब से बुरा देखो या डिलीशन के हिसाब से बुरा देखो फाइनिंग के हिसाब से बुरा देखने के लिए जाओगे तो ऑफकोर्स बिल्कुल लास्ट में अगर खड़े हो जाओगे फिर डिलीशन के लिए वो सबसे बढ़िया बात हो जाएगी और अगर आप डिलीशन के हिसाब से बुरा दिन देखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे फिर फाइंडिंग हमारा बहुत जल्दी होगा फाइंडिंग के लिए बढ़िया कम होगा सीधा रूट को डिलीट माना चाहते थे और फिर डिलीशन के लिए हम राइट में आए और फिर लेफ्ट लेफ्ट चलते चले गए और हमारा वही बात है टाइम खर्च हो गया डिलीशन में ठीक है तो मतलब बात क्या आई वर्स्ट केस के लिए हम क्या कहेंगे ठीटाइन बस इतना आप समझ पा रहे हो और एवरेज केस में बेटा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए लॉग एन आएगा वाई बिकॉज हम लेवल्स बाय लेवल ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और लॉग एन लेवल होते हैं एवरेज केसेस में तो बस वही बात उठेगी मैं उसमें और ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेटा है इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम बस आपको पता होना चाहिए और एवरेज केस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट आउट ऑफ स्कोप है गेट के हमारे को उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं है बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया एवरेज लॉग इन लेवल्स है तो बस लॉग इन में हमारा काम हो जाएगा बस ठीक है वो अब हमारी इच्छा कि आप फाइंडिंग में ज्यादा देर लगाते हो या डिलीशन में ज्यादा देर लगाते हो मतलब ऑन एन एवरेज लॉग इन टाइम लग जाएगा क्योंकि लेवल्स लॉग इन ठीक है आई होप पार आप पकड़ पा रहे होंगे बस बहुत है ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है डिलीशन हमारे यहाँ पे कम्पलीटेड हो गया अब मजे की बात क्या है कि सर्च किस्ट्री का टॉपिक हमारा कंप्लीटेड है ठीक है बाइनरी स्ट्री हमारा कंप्लीटेड है अब हम अगले लेक्चर में ट्राइवर्सल देखेंगे बाइनरी को कैसे करना है ठीक है ठीक अच्छा और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि हाउ मेनी बाइनरी आर पॉसिबल हाउ मेनी बाइनरी ट्रीज आर पॉसिबल एंड बेटा वो क्वेश्चन है उसको भी मैं कराऊंगा आगे है ना अभी नहीं अभी हम बेसिक जो चल रहा है वो चलने देते हैं ठीक है चलिए ओके okay. तो नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर एंड ऑन और बाइनरी में बाइनस हस्ट्री मेंफ्कोर्स हमारे ट्रेवर्सल करके दिखाना है वो भी मैं दिखाऊंगा ठीक है बेटा ओके थैंक यू सो मच बाय बाय वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना बाय बाय

हेलो एवरीवन अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आप प्लीज वीडियोस को लाइक करते रह करो अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यू कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पर राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हो तो टॉप राइट कॉलर में मिल जाएगा नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से डाउट्स अलग अलग हम जैसे टीओसी का अलग चैनल हो कंपैदर का अलग चैनल हो आ, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड एंडसोन तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है है ना एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ फ्री है भैया है ना मैं किसी चीज़ के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन देना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम आप दे सकते हो बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया एवरीथिंग विल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे ठीक है जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो ओके थैंक यू सो मच बाय